भागनबीघा के ग्राम रक्षा दल छठ पूजा समिति की ओर से इस साल भी 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 13 जुलाई को मोरा तालाब छठ घाट से 101 महिलाओं ने सर पर कलश लेकर पूरे मोरा तालाब पंचायत में कलश यात्रा निकालकर भ्रमण किया। 14 जुलाई को 24 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन किया जाएगा और 15 जुलाई को विशाल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। उक्त बातों की जानकारी देते हुए कार्यक्रम के आयोजक कुंदन सिंह ने कहा कि गांव में सुख शांति और भक्तिमय का वातावरण बना रहे, इसके लिए हर साल की तरह इस साल भी है ग्रामीणों की मदद से यह 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से धर्म को जागृत किया जाता है, सभी हिंदू धर्म के लोगों को पुनः जागृत करना और धर्म की ओर अग्रसर करना है। वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, ग्राम रक्षा दल छठ पूजा समिति की ओर से ये 3 दिवसीय अष्टजाम होने जा रहा है। 13 तारीख को कलश शोभा यात्रा, उसके बाद 14 तारीख से अखंड कीर्तन शुरू होगा, 15 तारीख को 10 बजे करीब समाप्ति होगा, उसके बाद जो है भंडारा का कार्यक्रम है। इस भंडारा में जो है गांव के सभी लोग या जो बाहर के जो भी लोग यहां पधारेंगे, सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और प्रसाद ग्रहण कर करके पुनः अपने अपने घर के लिए पधारेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि धर्म को जागृत करना, सभी हिंदू धर्म के लोगों को पुनः जागृत करना और धर्म की ओर अग्रसर करना, और ये जो पूजा पाठ हो रहा है जिससे कोरोना से हम लोगों को छुटकारा मिले, इसलिए जो है हम